नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर आज राहुल गांधी ने नए लोगो और नए झंडे का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में देश भर से 5000 के करीब महिला कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और मोदी सरकार पर भी हमला बोला और साथ ही अपने नए लोगों का मतलब भी बताया। जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो उन्होंने हमारी माताओं बहनों के घर से के घर में लक्ष्मी शक्ति बढ़ाई या कम की? कम की ना। जब ये नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर 3 कानून लागू किए, इनसे लक्ष्य पूरे करने वाली शक्ति उन्होंने छीनी या उनको दी? छीनी। जब जीएसटी लागू किया, छोटे दुकानदारों के घर में उन्होंने लक्ष्मी और दुर्गा डाली या निकाली? और जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया तो हमने करोड़ों घर में लक्ष्मी की शक्ति डाली या निकाली? जब हमने आरटीआई लागू किया, हमने करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली, हां या नहीं? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया, वन मैन वन वोट दिया, हमने दुर्गा की शक्ति बढ़ाई या कम की? लक्ष्मी की शक्ति ज्यादा की या कम की? तो ये हो क्या रहा है? वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। बात समझ आई? क्लियर थी? अब चलिए इस चिन्ह की बात करते हैं। ये आपने चिन्ह देखा होगा, ये दीजिए मुझे, ये निकाल के दीजिए। मैंने शक्ति की बात की, दुर्गा की बात की, लक्ष्मी की बात की, अगली बार आपको सरस्वती के बारे में बता दूंगा, वो शक्ति बच गई। अब ये जो है ये क्या है? नेताजी ने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे। पहली बार प्रेसिडेंट बनने के बाद वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा, देखिए राहुल जी, ये हमारा चिन्ह है और ये जो बड़ा चिन्ह है ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, ये जो बड़ा चिन्ह है ये भी हमारे चिन्ह के अंदर होना चाहिए। मैंने सोचा, कहा बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये जो हाथ का निशान है ये हमारे चिन्ह में होना चाहिए। क्यों? ये जो हाथ का निशान है इसका मतलब क्या है बताइए? आज मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। एकता नहीं, संगठन नहीं, आशीर्वाद बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, ये जो चिन्ह है ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा, हर धर्म में दिखाई देगा। आप शिवजी की फोटो देखेंगे, ये दिखेगा, देखा आपने? आप महावीर की फोटो देखेंगे, ये दिखेगा, दिखेगा?
बुद्धा की फोटो देखेंगे ये दिखेगा, सही। गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, साईं बाबा। अब यहां पे हमारी मुसलमान बहनें भी होंगी, आपके धर्म में चिन्ह अलाउ नहीं होता है, मगर जब आप अल्लाह से कुछ मांगती हैं तो आप अपने हाथ से, दाएं हाथ से मांगती हैं, सही बात। तो ये हाथ, दाएं हाथ सब जगह दिखता है। किसी ने साईं बाबा की बात की, ये बीजेपी के ऑफिस में आपको नहीं दिख सकता, मगर हर धर्म में आपको ये दिखेगा। लोग कहते हैं कि ये आशीर्वाद होता है, ये आशीर्वाद बिल्कुल नहीं होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है सच्चाई से डरो मत। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। NSUI की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक के समापन दिवस पर यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस बैठक में भावी रूपरेखा पर चर्चा की गई। बता दें कि कुछ दिन पहले ही यूथ कांग्रेस ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।